से दिल्ली पुलिस ने, दरअसल हाथरस पुलिस की तरफ से दिल्ली से ये गिरफ्तारी की गई है और दिल्ली के उत्तम नगर से ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मधुकर पर रखा था 1 लाख का इनाम। हादसे के बाद से ये फरार चल रहा था। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर और माना जा रहा है कि हाथरस कांड का मुख्य आरोपी यही है। तो दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी हुई है, हाथरस पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम बताया जा रहा है देव प्रकाश मधुकर, पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, गिरफ्तारी हो गई है। सुमित शर्मा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, कैसे पुलिस को ये भनक लगी, कैसे मुख्य आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्रस पूरे मामले को लेकर आईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें और तीन लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, 6 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं थी। कल जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि मधुकर दिल्ली में कहीं पर छुपा हुआ है, तो हाथरस पुलिस और SIT की टीम ने दिल्ली में कई जगह जाकर दबिश की थी, जिसके दौरान कल देव प्रकाश मधुकर की देर रात में दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है नजफगढ़ के पास से। हाथरस पुलिस देव प्रकाश मधुकर को रात में ही जनपद हाथरस में लेकर आई थी। पुलिस के जहन में कहीं सवाल है उस घटना को लेकर, जिससे पुलिस देव प्रकाश मधुकर से आज पूछताछ करेगी। रात में भी पूछताछ की गई है देव प्रकाश मधुकर से कि किस तरह से जब वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था तो इतनी भीड़ वहाँ एकत्रित हुई, आपने कैसे प्रचार किया कितनी भीड़ को बुलाने के लिए, और फिर जब वहाँ से बाबा निकले थे तो किस तरह से संघर्ष में थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और फिर आप लोग वहाँ से फरार हो गए, फरार हो गए, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या कोई साजिश की है, इन सब सवालों को जो पुलिस की जहन में है, इन सब सवालों को लेकर पुलिस पूरे मामले में देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ करेगी। और आज हाथरस पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट के मनोरंजन कक्ष है, आज इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों से वार्ता की जाएगी, इसका खुलासा किया जाएगा और देव प्रकाश मधुकर को जेल भी भेजा जाएगा। हालांकि देव प्रकाश मधुकर ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित पुलिस ने किया है। ठीक है सुमित, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के उत्तम नगर से ये गिरफ्तारी हुई है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले देव प्रकाश मधुकर के वकील AP सिंह ने सरेंडर का भी दावा किया था। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा कह, इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए, इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए, कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए, अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें SGF और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में वादा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें, अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे।
हाथरस हादसे की जांच के लिए आज न्यायिक जांच आयोग हाथरस जाएगा और घटनास्थल पर जांच करेगा। न्यायिक जांच आयोग की टीम सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टीम डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी। दोपहर में 1 बजे घटनास्थल फुलरई मुगलगढ़ी के जाएगी और दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन कमिश्नर अलीगढ़, आईजी अलीगढ़ समेत अन्य अफसरों से मुलाकात और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। हाथरस हादसे में दर्ज केस में एससी एसटी धारा बढ़ाने की तैयारी है। थाना सिकंदरा मऊ में दर्ज मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मामले की विवेचना डिप्टी एसपी राम प्रवेश कर रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है। मामले में गिरफ्तार और प्रकाश में आए आरोपी और गैर अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए एससी एसटी एक्ट लगने से घटना में मारे गए अनुसूचित जाति के लोगों को 8 से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हाथरस हादसे की रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंप दी है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में डीएम, एसएसपी सहित 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। 2 जुलाई की दोपहर में हुए इस हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री स्तर से एसआईटी आदेश का जांच का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को एसआईटी का जिम्मा देते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल हादसे के मूल कारण और लापरवाही के साथ साथ अनदेखियों को उजागर करता है। हालांकि ये रिपोर्ट बुधवार को ही देनी थी, मगर राहत और बचाव कार्य के चलते बुधवार को मुख्यमंत्री के आने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी और अधिकारियों ने 3 दिन का वक्त मांग लिया। इसमें घटनास्थल पर तैनात एक पुलिस और अन्य सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, प्रारंभिक सूचना वाले कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी, डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, किसान, चश्मदीद, घायल, तहसील और जिला स्तर के अधिकारी, डीएमएसपी आदि तमाम लोग शामिल हैं। तो हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा करते थे, आज वही लोग उसकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा ना रोक सकते हो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई। किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से माँ की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है, ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है। इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए, जिस सामने और आया आना चाहिए तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है, बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है, अगर प्रशासन वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए। तो वहाँ पर अगर प्रशासन देखता, वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, 2-4 डंडे मार देता, उससे जे इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते। हाथ पैर टूट जाता, उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना, प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है।
हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सबन के एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग हैं सब बंद होने चाहिए। दरअसल हाथरस कांड में बाबा नारायण हरि के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। ऐसे में लोगों का मानना है कि बाबा नारायण हरि की वजह से 121 लोगों की जान गई, तो फिर बाबा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग मानते हैं, जब भी तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई कोई मदद करें, गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, चमत्कार किसका चमत्कार है? इतनी पब्लिक गई, अगर होते भोले बाबा में शक्ति होती, जो कहते हैं साकार हरि कहते हैं उनसे, जो कहते हैं शक्ति है, शक्ति होती तो 116 लोगों की मौत हो गई, उनमें से किसी लंगड़े लूले को ही खड़ा कर दें, वो जिसके हाथ या पैर टूटा चलो मर गया, चलो उसे छोड़ो, किसी का हाथ पैर टूटा उसी को सही कर दें वो। तो दूसरी तरफ हाथरस घटना की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। SIT की जांच में आयोजकों की बड़ी लापरवाही को वजह माना गया। आयोजकों की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश की गई। तैनात पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब हुए, 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए, यानी पुलिस की जांच आयोजकों की लापरवाही की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लोग बाबा को 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।